स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार इंजीनियरिंग UGEAC का जो चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन चॉइस लॉकिंग है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने वाले हैं। जिस भी बच्चे को चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके चॉइस प्रॉब्लम फिलिंग की जो प्रॉब्लम है वो उसकी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बच्चों, चॉइस फिलिंग करने के लिए BCEC की ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग पोर्टल ऑफ UGEAC 2024 सिंपली यहां पर दिया गया है, इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि क्या है कि वेबसाइट और सर्वर जो है वो स्लो चल रहा है। देन आपको क्या करना है, इस काउंसलिंग की वेबसाइट पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। देन आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद बच्चों क्या करना है, अगर आप पहली बार चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नहीं तो अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आपको लॉगिन करना है। तो बच्चों, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली यहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बच्चों, न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको जो है वो रैंक कार्ड या एडमिट कार्ड की ज़रूरत आपको पड़ेगी। देन आई एग्री और कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक नहीं करना है। देन आगे इंक्रीज हुआ, अब आपको UGEAC ID जो है वो इंटर करना है। बच्चों, सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है। यू हैव कम्प्लीटेड द रजिस्ट्रेशन जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। काइंडली क्लिक हेयर टू लॉग इन और फिल और मॉडिफाई चॉइसेस, सिंपली आपको यहां पे क्लिक करना है। ठीक है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो है मैं बताने वाला हूं। जिन बच्चों का लो रैंक भी है उन बच्चों का भी जो होगा वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग कैसे करना है ताकि आपको कॉलेजेस जो है वो मिल सके। बच्चों, क्या है कि इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो है मैंने पहले कर दिया था, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना आएगा कि मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और आपको पासवर्ड जो है वो सेट करने को आएगा। ठीक है, बस इतना ही है, पासवर्ड वगैरह सेट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन पहले से मैंने कर रखा है, देन इनको सारा डिटेल फिल करने के बाद साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है बच्चों, जैसे ही साइन इन के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद क्या है बच्चों कि लॉगिन के लिए, चॉइस एडिट के लिए, लॉक के लिए, हर चीज़ के लिए जो है आपको OTP लगेगा। तो OTP के लिए आपको मोबाइल नंबर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। देन सेंड OTP के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बच्चे का, उस पर जो है वो OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर जो है वो इंटर कर देना है। बच्चों, OTP इंटर करने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, फाइनली जो है हम लोग काउंसलिंग के पोर्टल पर लॉगिन जो है वो हो चुके हैं। देख सकते हैं मेरा नेम, यूजर मैक आईडी से सारा डिटेल जो है वो दिख रहा है। ठीक है बच्चों, आपको मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर आप पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये ऑथेंटिकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट इसलिए दिखा रहा है कि ईमेल आईडी फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ होगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। यहाँ से व्यू फील्ड फॉर्म जो है वो एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म फिल किया था वो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। जैसे ही आप यहाँ पर कर रही मैसेज जो आ रहा है, योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड येट, फॉर कम्प्लीटिंग पे रिक्वायर्ड फी आफ्टर ओनली पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड फी योर रजिस्ट्रेशन विल बी कम्प्लीटेड। देन इसको कट कर देना है। कट करने के बाद नीचे आना है। ठीक है बच्चों, नीचे आएंगे तो काउंसलिंग में जो है वो पैसा जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, काउंसलिंग में पैसा नहीं लगता है। ठीक है, वो पैसे के लिए जो है वो पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है, लेकिन काउंसलिंग में पैसा जो है वो नहीं लगता है। सिर्फ सिंपली डैशबोर्ड पर हम आते हैं। बच्चों यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस, जैसे ही मैनेज वाला ऑप्शन जो है वो ओपन करेंगे तो ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट बताता है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहा जाता है योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड येट, फॉर कम्प्लीटेशन प्लीज़ पे द रिक्वायर्ड फी ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड फी योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी कम्प्लीट।
बच्चों काउंसलिंग चॉइस फिलिंग में कोई पैसा नहीं लगता है। जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी पैसे की कहीं बात नहीं की गई है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। ये क्या है कि ये छोटा सा बग है, ये बाद में ऑटोमेटिक जो है वो ठीक हो जाएगा। किन्हीं बच्चों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी फ़ी का ऑप्शन भी नहीं दिया गया और पैसा भी काउंसलिंग में नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, देन आपको होम के ऑप्शन पर आना है। उसके बाद होम के ऑप्शन पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड के बाद आपको क्या करना है, मैनेज एंड फिल चॉइस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बच्चों अब क्या करनी है, आपको करनी है चॉइस फिलिंग। बच्चों चॉइस फिलिंग करने के लिए कैंडिडेट प्रोफाइल जो है आप चेक कर लेंगे, आपका प्रोफाइल जो है वो मैच करता है या नहीं करता है। यहाँ से देख लीजिए आपका पूरा प्रोफाइल जो है वो दिख जाएगा। उसके बाद अवेलेबल चॉइस के ऑप्शन पर जो है हम आते हैं। ठीक है बच्चों, अवेलेबल चॉइस में सारे कॉलेजेस आ जाएंगे जिसको आप चॉइस फिल के कॉलेज में लिस्ट में जो है वो नाम डाल सकते हैं। बच्चों अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस चाहिए तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से आपको कंप्यूटर साइंस जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि फ़िल्टर जैसे ही करेंगे तो आपके सीएस वाले जितने भी कॉलेजेस हैं वो आ जाएंगे। आप यहां से आप जो है रैंक बेस आपको पहले से प्रेफरेंस बना लेना है और उस कॉलेज को जो है वो आपको यहां से ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ से अवेलेबल चॉइस आप सिर्फ देख सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के लिए सिर्फ सिंपली जो है आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो है वो फिर से पासवर्ड जो है वो इंटर करेंगे। देन आपको पासवर्ड इंटर करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर लेना है, तभी जो है आप चॉइस फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर साइंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट यहां सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम के लिए यहां पे आपको कंप्यूटर साइंस करेंगे, कोर ब्रांच यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारे ब्रांच कोर ब्रांच के आ जाएंगे। यहाँ से आप जो है वो ऐड करेंगे, कॉलेजेस इधर आ जाएंगे। बच्चों आपको अपने रैंक के हिसाब से पहले प्रेफरेंस जो है वो तैयार कर लेना है, उस तरीके से आपको चॉइस फिल करनी है। जैसे तैसे चॉइस फिल करेंगे कॉलेजेस आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि इस बच्चे को 35 परसेंटाइल है तो 35 परसेंटाइल में मैं इस बच्चे को सीएस और ईसी चाहिए तो मैं कैसे इसको चॉइस फिल करता हूँ, बस इस चीज़ को आपको गौर से देखिएगा। जब बच्चों का सीट अलॉटमेंट होगा उसमें क्या होगा कि जो चॉइस फिल हुआ है उसके बेस पे हर बच्चों का जो नंबर वन चॉइस है वो देखा जाएगा। अगर मानो कि बिहार इंजीनियरिंग में टोटल 100 सीट है, ठीक है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा सीट है, 10-12 हज़ार के आसपास सीट है। अगर मान के चलो कि 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट में 100 सीट तो ऐसा है नहीं कि उसको फर्स्ट ही राउंड में बिहार इंजीनियरिंग को ही अलॉट कर देना है। उसको बीसीसी के लिए भी कुछ रखना है और सेकेंड राउंड के लिए भी कुछ रखना है। तो जहाँ उसको अगर मान के चलो कि फर्स्ट जो चॉइस फील है उसी पे उसको अगर जो क्राइटेरिया सेट है अगर उतना बच्चा हो जाता है तो वो चॉइस नंबर 2 पर 3 पर क्यों जाएगा। तो चीज़ें ये हो जाती है, जो कॉलेजेस आपको नहीं मिलना है आपको वो कॉलेजेस नहीं डालना। हाँ डालना है, बस आप क्या है कि कुछ कॉलेजेस लेके चलिए, उसको आपको नीचे लेकर के चलना है। ठीक है, ये कॉलेजेस को भी हम डालेंगे लेकिन इसी के बाद डालेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि अब क्या करना है कि सीएस का चॉइस फील जो है मैंने कर लिया है, उसके बाद ईसी का डालना है। ठीक है, ईसी का, एक सेकंड रुक जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का डालना है तो सिंपली यहाँ पे फिल्टर करेंगे, सारे कॉलेजेस जो है ईसी का जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसका चॉइस फील ऐड करेंगे, कॉलेजेस इधर आपके आ जाएंगे। बच्चों इस बच्चे का क्या है कि 35 परसेंटाइल है, अगर बात करें यूआर रैंक की तो 10,000 के आसपास है, और कैटेगरी रैंक ईडब्ल्यूएस रैंक की बात करें तो 1900 के आसपास है। बच्चों इस बच्चे को जो मैंने रैंक बेस्ड चॉइस फिलिंग की है, मैंने पहले रैंक को एनालाइज किया, उसके बाद बच्चे को पहले क्या था कि अपना घर के पास कॉलेज चाहिए था, उसके बाद टॉप कॉलेजेस चाहिए थे जो मैंने बताया। ठीक है बच्चों, इस बच्चे को बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो नहीं मिलते टॉप के जो है। बच्चों क्या है कि सेव आपको कर लेना है जो भी आपने चॉइस जो है वो फिल किया है। ठीक है, यहाँ पे 20 से 25 मिनट का टाइमर चलता है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका पोर्टल लॉक हो जाएगा। अगर आप सेव नहीं करते हैं तो आपका जो चॉइस फिल है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, इसलिए आपको बीच बीच में सेव करते रहना है। तो बच्चों मैंने बताया था इसका 35 परसेंटाइल है, तो मैंने बच्चों इसको एक टॉप कॉलेजेस मैंने रखे हैं जो इसको मिल सकता है।
ठीक है, क्योंकि जो बख्तियारपुर है, चंडी है, इस सब में इसको सीएस नहीं मिलेगा। इसका घर जो है वो बेगूसराय के नज़दीक है, इसलिए मैंने एक नज़दीक का कॉलेज, पहले एक टॉप का कॉलेज रखा, फिर घर के नज़दीक का कॉलेज रखा, ये दोनों को मैंने प्रेफरेंस बनाया। उसके बाद बच्चों मैंने कॉलेजेस, वो सब कॉलेज डाले हैं जो इस बच्चे को कॉलेजेस मिल सकता है, ठीक है, और उसके घर के पास का कॉलेजेस है, ठीक है, और ऐसे कॉलेजेस को मैंने जो टॉप के कॉलेजेस हैं उसको नीचे डाल दिया है फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। जो कॉलेजेस आपको नहीं मिलने हैं उसको आपको ऊपर रखने से आप स्टेप जो है वो खा जाएंगे। मैंने पहले बताया कि सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से चॉइस फिल कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को हमारे एक्सपर्ट के थ्रू चॉइस फिल करवाना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कॉल करके आप लोग जो है चॉइस फिलिंग के लिए हमारे एक्सपर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या ये नंबर दिया गया है 7870884809, इस पर कॉल या मैसेज करके आप अपना सीट बुक कर लीजिए और पेड काउंसलिंग करके काउंसलिंग कराइए। 100% आपका अच्छे से अच्छे कॉलेज में मैं एडमिशन जो है वो आप सबों का करवा दूंगा थ्रू काउंसलिंग। बच्चों चॉइस फिल करने के बाद अब क्या करना है, करना है चॉइस फील्ड, ठीक है, चॉइस लॉक करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैंने चॉइस फील्ड के ऑप्शन पर जाते हैं, तो यहाँ से आपने जो चॉइस फिल किया है उसमें से अगर कोई चॉइस जो है वो रिमूव करना है तो आप जो है वो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल डिलीटेशन वगैरह का जो ऑप्शन है वो आता है। तो बच्चों आपको क्या है ना कि ये मैनेज फील्ड, चॉइस इंटरचेंज, ये सब को रिमूव करना है, ठीक है। ये सब चॉइस ऊपर नीचे करने के लिए है, डिलीट करने के लिए। सिंपली डायरेक्ट आपको लॉक माई चॉइस के ऑप्शन पर आपको जाना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए टोटल 59 चॉइस जो है मैंने फिल किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री टू लॉक माई चॉइस के ऑप्शन आप पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपका जो पासवर्ड है, जो आपने पासवर्ड बनाया था रजिस्ट्रेशन के समय, उसको जो है वो इंटर कर देना है आप लोगों को, ठीक है। पासवर्ड इंटर कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यस लॉक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, देन ओके आपको कर लेना है। अब क्या है बच्चों, आपके फ़ोन या ईमेल पर ओटीपी जाएगा, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देन ओटीपी जो है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला गया होगा। बच्चों जैसे ही ओटीपी इंटर करेंगे देन आपको लॉक चॉइसेस के ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका चॉइस जो है वो सिंपली लॉक हो चुका है। टोटल 231 अवेलेबल में से 59 चॉइस मैंने फिल किया, 172 मैंने अनफिल किया, हमारा जो चॉइस लॉक है वो हो चुका है लॉक्ड। अगर आप लॉक नहीं करते हैं, अगर सीट अलॉटमेंट के समय आपने जो चॉइस फिल किया था वो ऊपर नीचे हो जाता है किसी भी कारणवश, तो इसकी बीसीईसी की जिम्मेवारी नहीं रहेगी, ठीक है बच्चों। इसलिए सभी बच्चों को चॉइस लॉक कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉक नहीं करते हैं तो चॉइस फिलिंग का डेट ओवर होने के बाद आपका चॉइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। बच्चों अब क्या है कि सीट अलॉटमेंट के लिए आपको इसी तरह से लॉगिन करके आपको यहाँ से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो देखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रीज करना होगा, फ्लोट करना होगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन आएगा, जैसे ही सीट अलॉटमेंट आएगा उस पर पूरा वीडियोस आ जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, फिलहाल आपको व्यू अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, व्यू डाउनलोड लेटर, ठीक है, आपको क्या करना है कि जो लेटर आपने जो लॉक किया है चॉइस, उसको अब आपको पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जनरेट लॉक चॉइस लेटर हम कर लेते हैं सिंपली। यहाँ से राउंड वन के लिए मैंने अभी चॉइस फिल किया है, राउंड टू में कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से मैं पीडीएफ को डाउनलोड जो है वो करके इसको रख लेता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब क्या बच्चों क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपसे ये मांगा जा सकता है, ठीक है बच्चों। जिस भी बच्चे को हमारे एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराना है तो डायरेक्ट कॉल या मैसेज करके अपना सीट बुक जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।